हेलो एवरीवन, दिस मैं चुमोंगिया। टुडे वी विल डू क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट है स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। अब हमें यहाँ रेशियो किस किस में फाइंड करनी है, स्पीड ऑफ साइकिल, रेशियो स्पीड ऑफ स्कूटर, इन दोनों की स्पीड में हमें रेशियो फाइंड करनी है। सॉल्यूशन 15 किलोमीटर पर आवर रेशियो 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डिवीजन में, अपॉन 30 किलोमीटर पर आवर। सेम यूनिट है, कट जाएगी किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर 15 बन जाए 15, 15 टू जाए 30, तो हमारे पास क्या रेशियो आ गई, 1:2। लेट्स सी नाउ द बी पार्ट, लेट्स स्टार्ट बी पार्ट। 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, ठीक है। अब यहां पे मीटर है, ये किलोमीटर, हमें सेम यूनिट बनाना है। इन 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, हमें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हम क्या करेंगे 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ गया 10,000 मीटर। अब हमने रेशियो फाइंड करनी है, देखो 5 मीटर टू 10,000 मीटर, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ऊपर नीचे, मीटर से मीटर कट हो गया, ठीक है। 5 1 5, 5 2 10 और ये 3 0 इसके पीछे आ गए, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1:2000, ठीक है। लेट्स स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट पार्ट, लेट्स सी सी पार्ट। सी पार्ट में भी क्या करना है, 50 पैसे 2 रुपीज 5, हमें रेशियो फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखो ये पैसे हैं हमारे पास और ये रुपीज हैं, तो हमें सेम यूनिट में चेंज करना है। इन 1 रुपीज हाउ मेनी पैसे, 100 पैसे आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया 500 पैसे, ठीक। अब हमें इसकी रेशियो फाइंड करनी है, 50 पैसे रेशियो 500 पैसे, ठीक है। अब पैसे से पैसे कट गए हमारे, 50 अपॉन 500, 1 0 से 1 0 गई, 5 1 5, 5 1 5 और 0 बच गई, तो हमारे पास आंसर आ गया 1:10। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। तो हमें परसेंटेज में चेंज करना है रेशियोज को, पहले हमारे क्या है 3:4, तो जब हम किसी भी रेशियो को परसेंटेज में चेंज करते हैं मल्टीप्लाई 100 करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3/4 × 100, ठीक है। 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20, 3 × 25, 25 × 3 = 75, तो हमारा आंसर कितना आ गया 75%। बी पार्ट 2:3 मीन्स 2/3 × 100, ठीक है, तो हमारा आ गया 200/3। अब 200 3 से कंप्लीटली तो डिवाइड नहीं होता, तो हम इसको साइड में डिवाइड करके मिक्स नंबर में चेंज कर देते हैं, 3 6 18, 3 6 18, नीचे हमारा रिमाइंडर 2 बच गया, इट मीन 66 होल 2/3%, क्लियर। लेट्स स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे देखो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हमारे पास 25,
ठीक है, उसमें से 72% गुड है, मैथ्स में अच्छे हैं। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। टोटल स्टूडेंट्स 25 है, ठीक है। हु आर गुड इन मैथ्स, मैथ्स में कितने अच्छे हैं, 72% ऑफ 25 मीन 72/100 मल्टीप्लाई 25, टोटल का 72% बच्चे अच्छे हैं, ठीक है। तो काट देते हैं, 25 × 25, 25 × 100, 4 × 4, 4 × 4, 4 × 30 मीन्स 18 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथ्स। लेट्स सी नाउ स्टूडेंट्स हु आर नॉट गुड इन मैथ्स। टोटल वॉज 25, 18 वॉज गुड, तो 25 − 18, तो 7 स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथ। अगर हमें इसको परसेंटेज में निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट गुड इन मैथ्स कैसे निकालेंगे, 7, ठीक है, 7 बच्चे अच्छे नहीं है मैथ्स में, तो 7 ऊपर टोटल कितने थे हमारे पास, 25 × 100, ठीक है, 25 × 25, 25 × 100 और 7 × 4 = 28, तो 28% स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथ्स। अगर काउंटिंग में देखें तो वो 7 स्टूडेंट्स हैं, अगर परसेंटेज में देखें तो 28% है। हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। अब यहाँ पे देखो 72% स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथ्स, तो हु आर नॉट गुड इन मैथ्स, तो हम क्या करेंगे, टोटल मान लो 100 है, 100 में से अगर हम 72 माइनस करेंगे तब भी हमारा 28% ही आएगा जो मैथ्स में अच्छे नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ए फुटबॉल टीम वन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, इफ देयर विन परसेंटेज वॉज 40 देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। क्या फाइंड करना है हमें कि उन्होंने टोटल कितने मैचेस खेले हैं, ठीक है, जीते कितने हैं हमें पता है 10 मैचेस जीते हैं, ठीक है, कितने परसेंटेज जीते हैं 40% जीते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने थे जो उन्होंने खेले थे। तो हम यहां पे क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड कितने, मान लो उन्होंने एक्स मैच प्ले किए, ठीक है, तो नंबर ऑफ मैचेस दे वॉन कितने जीते 10, ठीक है, परसेंटेज ऑफ मैचेस दे विन 40, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40% ऑफ टोटल जितने उन्होंने खेले थे, तो वो कितने हमारे पास x, तो 40% ऑफ x इज इक्वल टू 10, ठीक है, जीते हैं वो हमें नंबर्स में भी दिए हैं और परसेंटेज में भी दिए हैं, तो हम यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 40/100 × x = 10, x इज इक्वल टू 10। अब यहां पे देखो x के साथ जो नंबर्स है हमने इसको क्रॉस कर दिया, 100 ऊपर आ गया और ये जो 40 है ये नीचे आ गया। अब हम काट देंगे, 0 से 0 कट गए, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 10 × 5 तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, 50, तो आ गया हाउ मेनी मैचेस दे डिड प्ले इन ऑल, दे प्लेड
50 मैचेस, ये हमारा आंसर है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास, इफ चमेली हैड रुपीज 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चमेली के पास 600 रुपीज बच जाते हैं, जितनी मनी उसके पास है उसका 75% खर्च करने के बाद उसके पास 600 रुपीज बच जाते हैं, तो उसके पास शुरू में कितने पैसे थे ये हमें फाइंड करने। जो जो चीज हमें फाइंड करनी है उसको हम लेट कर लेते हैं, तो ये हम क्या करेंगे, लेट चमेली हैड रुपीज एक्स, ठीक है, हमने लेट कर लिया कि चमेली के पास एक्स रुपए थे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल मनी, ठीक है, एक्स इसमें से 75% खर्च करने के बाद, तो 75% ऑफ एक्स शी हैड रुपीज 600, क्लियर। ये टोटल मनी में से 75% खर्च करने के बाद उसके पास कितने पैसे बचे, 600 रुपीज उसके पास सेव हो गए। तो यहां पे क्या करेंगे हम, एक्स के नीचे वन लगाएंगे, 75/100 और ऑफ एक्स मीन्स मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है। अभी हमारी स्टेटमेंट बन गई, अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो एलसीएम ले लो, 100x-75x = 600, 100x-75 कितना हो गया 25x/100। अब हमें यहाँ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, x के साथ नंबर क्या है 25/100, ठीक है। अब जब हम वहां जाएंगे राइट हैंड साइड में जाएंगे तो 100 600 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 75 नीचे आ जाएगा, 25 तो नीचे क्या आ गया हमारा 25, 100 ऊपर आ गया 25 नीचे आ गया। इसको कट करते 25 × 25, 25 × 4 = 100, तो 600 × 4 एक्स की वैल्यू आ गई 2400। तो चमेली हैड इन द बिगनिंग हाउ मेनी रुपीज, चमेली हैड रुपीज 2400, ये हमारा आंसर। लेट सी क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, 30% लाइक फुटबॉल एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, देन व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स। इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 50 लाख, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। यहाँ पे देखो टोटल पीपल कितने हमारे पास, टोटल पीपल इन अ सिटी कितने हैं 50 लाख, क्लियर। अब पीपल हु लाइक क्रिकेट, पीपल हु लाइक क्रिकेट कितने हैं 60%, ठीक। पीपल हु लाइक फुटबॉल, अब जो फुटबॉल को लाइक करते हैं ऐसे कितने हैं 30%, ठीक है। एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, जो बच गए वो दूसरी गेम्स को लाइक करते हैं, तो पीपल हु लाइक अदर गेम्स क्या निकालेंगे हम, पीपल हु लाइक अदर गेम्स। अब देखो जो टोटल परसेंटेज होती है वो 100 ही होती है, इससे ज्यादा तो नहीं होती। अब हम क्या करेंगे, 100 में से क्रिकेट वाले और फुटबॉल वाले दोनों को माइनस कर देंगे, 60% + 30%, इन दोनों को हम 100 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो अदर गेम्स को लाइक करते हैं वो पीपल आ गए, ठीक है। पीपल हु लाइक अदर गेम्स 10% आ गया।
अब हमें क्या करना है, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, क्रिकेट को कितने लोग पसंद करते हैं, नंबर ऑफ पीपल्स निकालना है। और टोटल पीपल कितने हमारे पास, 50 लाख। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट 60% ऑफ 50 लाख। ठीक है, 60/100 मल्टीप्लाई 50, 50 2 100, 2 3 6, तो यहाँ पे कितना आ गया आंसर, 30 लाख। तो जो लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं ऐसे कितने लोग हैं, 30 लाख। अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल, ऐसे कितने लोग हैं, 30%। तो 30% ऑफ 50 लाख, तो 30/100 इंटू 50 कटिंग कर देंगे तो कितना आ गया, 15 लाख। वो लोग हैं 15 लाख जो फुटबॉल को लाइक करते हैं। अब नंबर ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स, कैसे निकालेंगे, या तो हम परसेंटेज से निकालें, 10% है, ठीक है, 10% ऑफ 50 लाख, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो 10/100 मल्टीप्लाई 50 कटिंग कर देंगे तो ऐसे कितने लोग आ गए, 5 लाख। ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, 50 लाख में से 30 लाख माइनस करेंगे, 30 लाख माइनस 15 लाख, ठीक है, 50 में से 30 और 15 को माइनस कर लेंगे तब भी हमारा 5 लाख आ जाएगा, जैसे मर्जी निकालो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। हाँ जी, ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.1। इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।